हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के ब्लॉग पे हम जा रहे हैं वेद पार्क, जो अभी अभी जिसकी ओपनिंग हुई है नोएडा में। आज देखने चलते हैं कि हाउ इज़ इट एंड व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। सो स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गो, जल्दी से निकलते हैं। सब कुछ बताएंगे इसी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो में बताएंगे कि किस टाइम ओपन होता है एंड व्हाट इज़ द एंट्री फी एंड ऑल अबाउट दैट। ओके, सो जर्नी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। Here we go. And bus journey start ho gayi hai. It will hardly take 10 minutes. Aur 10 minute mein hum destination par pahunch jayenge. Let's go. To hum log nikal chuke hain. Bye. तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया। अरे वाह, ये तो तुम दोनों के फेस की तरह लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल तुम लोगों की तरह है, देखो एक तुम्हारी तरह और एक तुम्हारी तरह। लाफिंग बुद्धा गालिया, आई वांट टू बी गालिया, सोचने का मौका ना मिला। मैं तो तेरे पीछे हो गया, पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन। बस गाड़ी पार्किंग, अब हम पार्किंग की जगह देख रहे हैं। नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, पार्किंग कर रखी है। काफी भीड़ हो रही है यहाँ पे, तो एंड हमने एंट्री ले ली है। अब लेट्स सी कि पार्किंग कैसी है, कितने व्हीकल आ सकते हैं, बड़ी है छोटी है। लग तो नहीं रहा है कि सही से हो पाएगी पार्क, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। एंड इट्स ट्रू एक्चुअली। इट लुक लाइक कि पार्किंग बहुत लिमिटेड है, ओनली 1, 2, 3, 4 गाड़ियाँ ही लग सकती हैं। एंड देर आर लॉट ऑफ लाइक 2 व्हीलर्स। पार्किंग थोड़ी डिफिकल्टी रही, तुमने बहुत स्पेस नहीं था, बट स्टिल पार्किंग थी, ये एक प्लस पॉइंट था, बाहर गाड़ी नहीं लगानी थी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डू नॉट टच और सिट ऑन स्क्रिप्चर्स, फिर भी लोग यहाँ पर लटके रहते हैं और जल्दी ये फिर टूट जाएंगे सारे स्क्रिप्चर्स। द पार्क इज वेरी ब्यूटीफुल, और यहाँ की सेरेन ब्यूटी देखने आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ आई हुई है। शायद हमने गलत दिन चूज कर लिया, बट सीरियसली द पार्क इज वेरी ब्यूटीफुल। और ये चल रहे हैं हमारे दो जवान हमारे साथ, वेदाज हैं, ऋग्वेद ऋषि मुनि। यहाँ पर वाटर शो भी होता है, अभी देखते हैं। दिस इज समवॉट आर्टिफिशियल ब्रिज वगैरह काफी अच्छे से बनाए हुए हैं, पानी थोड़ा गंदा सा हो रखा है। तो काफी ब्यूटीफुल, बट भीड़ को देखकर लग नहीं रहा कि ज्यादा दिन ये अच्छा रहने वाला है पार्क। और यहाँ पर शंख की डिस्क्रिप्शन बताई हुई है बिल्कुल अच्छे से कि क्या है इसकी। और ये मेटलिक स्कल्पचर है, डिपिक्ट कर रहा है कुछ। एंड देन वी हैव ये वेद वन, जो दिखा रहा है हमारे अगस्त्य ऋषि के बारे में।
एंड यहाँ पर पाई की इम्पोर्टेंस बताई हुई है। एंड हियर वी हैव वेदास, हमारे वेद दिए हुए हैं। ये है ऋग्वेद, सब कुछ दिया हुआ है इसके बारे में, चारों वेद के बारे में बताया हुआ है क्या इनकी इम्पोर्टेंस थी, एक्चुअली थे क्या, इनकी हिस्ट्री क्या थी। अर्थवेद, इसके बारे में दिया हुआ है यहाँ पर सब कुछ। देन वी हैव सामवेद, सब कुछ अगेन सारी बताया हुआ है कि। देन वी हैव यजुर्वेद, तो सारे वेदों के बारे में बता दिया। चलते हुए दोनों घूम रही हैं, आंटियों की चुगलियाँ चल रही हैं। देखो पूरा गायत्री मंत्र लिखा हुआ है इस पर, गायत्री मंत्र लिखा हुआ है इस पर। फुटबॉल बनाओ इसकी। और गौ देवश्य दी गई ये बच्ची देखो कितनी प्यारी सी लग रही है। And here is the main rishi. आज शायद गलती दिन आ गए, काफी भीड़ है आज यहाँ पर। सब ठीक बस चल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है।